हेलो एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फीलिंग्स ऑफ रिवरेंस एंड ग्लोरी। सो रिवरेंस इज फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर एक्सीलेंस। किसी व्यक्ति को हम श्रेष्ठ मान लें, उस फीलिंग को हम बोलते हैं हमारे मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत श्रद्धा है क्योंकि मैंने उसको श्रेष्ठ माना है। तो श्रेष्ठ किसको मानेंगे? जिसने खुद के लिए, परिवार, समाज या प्रकृति के लिए कुछ किया हो। तो पूजा का मीनिंग समझ लेते हैं। तो पूजा का मतलब ये है कि मैंने आपको श्रेष्ठ माना है और फिर जैसा आपने किया वैसा ही मैं करूँगा, आपका अनुसरण करूँगा। आपने समाज के लिए, परिवार के लिए, खुद के लिए और प्रकृति के लिए कुछ किया तो मैं भी आपको फॉलो करूँगा। जैसे आपने सही का साथ दिया और गलत का विरोध किया, मैं भी करूँगा। तो इसको हमने पूजा बोला। लेकिन जो हम करते हैं, क्या वो वर्शिप है? क्या वो पूजा है? हम गुणगान करेंगे कि आप कितने महान हो, आपने कितना अच्छा किया। लेकिन जब हम जीने जाएंगे तो हम जिएंगे तो वैसे ही जैसा मुझे पसंद है। आप महान हो, कितने भी महान हो, ठीक है, लेकिन मैं तो वैसे ही जीऊँगा जैसे मैं जीना चाहता हूँ। तो रियलिटी में क्या इसको आप वर्शिप कहेंगे? तो वर्शिप का मतलब तो यही है कि आपने किसी को श्रेष्ठ स्वीकार किया है और फिर उसके बाद आप उसको फॉलो करते हैं और उसकी तरह श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं। अब समझ लेते हैं ग्लोरी, फीलिंग फॉर दोज हु हैव मेड एफर्ट्स फॉर एक्सीलेंस। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए काम किया है, तो हम किसको श्रेष्ठ मानेंगे? जैसे कि अगर इतिहास को देखें तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, तो क्या वो महान थे? क्या उन्होंने श्रेष्ठता का काम किया था? जब अलेक्जेंडर विश्व विजय के लिए निकले थे तो वो विजय हासिल करते हुए इंडिया तक पहुँचे, इंडिया का जो बॉर्डर था वहाँ तक पहुँचे वो। तो जब वो इंडिया पहुँचे तो उन्होंने सुना था कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ स्कॉलर्स, इंडिया जो है विद्वानों का देश है। तो उन्होंने सोचा भाई देखते हैं क्या है, ऐसा क्या है इस कंट्री में, ऐसा क्या ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है, तो जाके मैं कुछ स्कॉलर से मिलता हूँ। तो वो मिले, तो वो जो विद्वान थे उन्होंने सिकंदर से पूछा, आपने विश्व विजय की इच्छा की, ठीक है, आप हासिल भी कर रहे हैं और कर भी लेंगे, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप विश्व विजय की अपनी इच्छा पे विजय पा सके? क्या आप उस इच्छा को जीत सके कि मुझे विश्व विजय करना है? अगर आप वो नहीं कर सके तो आप महान नहीं। तो ये बात सुनने के बाद सिकंदर थोड़े से विचलित हुए। अपनी डेथ के वक्त, तो मृत्यु के वक्त उनका जो वजीर था, जो प्रधानमंत्री था, उसको उन्होंने बोला कि जब मैं मरूं तो मेरे जो दोनों हाथ हैं ना वो मेरी कब्र के बाहर रख देना, ताकि सारी दुनिया देख सके कि वह व्यक्ति जिसने विश्व विजय का सपना देखा था, जिसने इतने सारे देशों को जीता, वो खाली हाथ जा रहा है। तो श्रेष्ठ कौन है? श्रेष्ठ वह व्यक्ति है जिसने परिवार, समाज या फिर प्रकृति में हार्मनी के लिए कुछ काम किया हो या फिर अपनी समझ पे कुछ काम किया हो, तो उसको हमने श्रेष्ठ बोला है। और ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे अंदर जो भाव है उसको हमने बोला है ग्लोरी। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू एवरीवन।